मेरे एक मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज पर मैं हूं आपके साथ नवेद खान। चलिए दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, खास खबर आपको दिखाने जा रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट में। सेना में भर्ती कराने के नाम पर युवाओं को ठगने वाले फर्जी कर्नल को एसटीएफ मेरठ फील्ड यूनिट ने मिलिट्री इंटेलिजेंस की इनपुट पर गिरफ्तार किया है। आरोपी सत्यपाल सिंह यादव सेना में चालक के पद पर रिटायर्ड है। वह कर्नल डीएस चौहान के नाम की प्लेट लगाकर युवाओं को अपने जाल में फंसाता था। आरोपी के पास से 5 ज्वाइनिंग लेटर, 5 स्टैंप, 1 प्रिंटर, 1 कर्नल की वर्दी और 1 फर्जी पहचान पत्र बरामद हुआ है। वह कई राज्यों के युवाओं से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। आरोपी के खिलाफ गंगानगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। गंगानगर के कसेरू बक्सर का रहने वाला सत्यपाल सिंह यादव पुत्र करण सिंह सेना में चालक के पद से रिटायर हुआ था। वह पुणे में तैनात कर्नल डीएस चौहान की गाड़ी चलाता था। रिटायर होने के बाद सत्यपाल सिंह ने कर्नल डीएस चौहान के नाम की प्लेट बनवाई, कर्नल की वर्दी पहनकर एक फर्जी फोटो आईडी भी तैयार कर लिया और युवाओं को नौकरी दिलवाने के नाम पर सेना में भर्ती के नाम पर ठगी कर रहा था। पिछले कई सालों से एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार किया है।